हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, धनवान बनना सभी का एक सपना होता है। एफर्ट्स कार्य सभी करते हैं लेकिन अपनी इच्छित मंजिल तक कोई नहीं पहुँच पाता। सभी सुबह से लेकर ड्यूटी करते हैं, कोई डे नाइट ड्यूटी करता है लेकिन अपनी इच्छित मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। हमारे काम करने का तरीका सही नहीं हो सकता, या हमारे आउटपुट सही नहीं हो पाते, हम तरीका सही नहीं अपना पाते, हम एफर्ट सही तरीके से सही डायरेक्शन चूज़ नहीं कर पाते। तो आज हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिनको करने से आप धनवान बन सकते हैं। छोटे छोटे उपाय आप अपनी डेली रूटीन के उपाय हैं, जिनको आप अपनाते हैं तो आप धनवान बन सकते हैं। धन दौलत आपके हमेशा पास रहेगी, कुबेर और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होंगे और आपके घर के अंदर विराजमान करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से वे छोटे छोटे उपाय आप जानिए जिनसे कि आप धनवान बन सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आप क्या कर सकते हैं, रूटीन का उपाय है, डेली आप कर सकते हैं। हर रोज़ सुबह सुबह नहा धो के अपना चींटियों को खाना खिलाना, चींटियों को आटा खिलाना या दाना डालना या मीठा डालना कभी ना भूले। हर रोज़ चींटियों को आटा या दाना जरूर डाले, मीठा डाले, चीनी डाल दे या भूरा डाल दे, और साथ ही साथ पक्षियों को दाना डालना कभी ना भूले। ये दो काम सुबह सुबह अवश्य करें, जिससे कि आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपकी जो बाधाएं हैं काम में, सफलता में जो बाधाएं होती हैं, वो सारी आप देखेंगे स्वयं ही दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपकी जो बीच वाली उंगली होती है, सबसे बड़ी वाली उंगली, इस उंगली में लोहे का छल्ला अवश्य पहने, और अगर आपको मिल सकती है तो घोड़े के नाल का छल्ला अवश्य पहने। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि घोड़ा बहुत ही मेहनती होता है। उसके नाल की छल्ला अगर आपको मिल जाता है तो वह आपकी सफलता की एक किस्म से गारंटी बन जाता है। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके घर में कहीं भी जगह हो तो एक ऐसा पेड़ अवश्य लगाएं, एक ऐसा पौधा अवश्य लगाएं जो फल देता हो। चाहे अमरूद का पेड़ लगाएं जो फल देता है, या अनार का पेड़ हो जो आपको फल देता है, या जामुन का पेड़ है जो फल देता है। कोई भी ऐसा पेड़ अवश्य लगाएं जो आपको फल देता हो। फल देने वाला पेड़ हमेशा अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में वही पेड़ होता है तो आपकी सफलता के चांस अधिक होते हैं और आप कामयाबी की सीढ़ियों पर बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, चौथा उपाय आप क्या कर सकते हैं, चंदन का तिलक। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। चंदन के तिलक को सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले जब आप पूजा पाठ करते हैं तो चंदन का तिलक लगाएं, और अपने भगवान को, अपने जिस भी चीज़ को आप मानते हैं उसको याद करते हैं, फिर उस काम के लिए निकलेंगे तो आपका काम 100% बनेगा और आपकी बाधाएँ अपने आप ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आखिरी उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि लाल रंग शुभ माना जाता है, हनुमान जी के लिए लाल रंग होता है, माता का चोला भी लाल होता है। तो कोशिश कीजिए अपने मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग रखें, लाल कपड़ा वहाँ पर बिछोना बिछा के रखें, अपने मंदिर को लाल कपड़े से ढक कर रखें, और हो सके तो अपने मेन गेट पर कोई ना कोई लाल कपड़ा, लाल रिबन है वो बांध दें, या लाल कपड़ा है कोई उसका छोटा सा टुकड़ा बांध दें, या फिर माता की चुनरी लाल जो होती है वो बांध दें। लाल कपड़ा अगर आपके मेन गेट पर होता है तो वह लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को ज़्यादा आकर्षित करता है घर के अंदर आने के लिए, और आपको धनवान बनाने में और भी अधिक मदद करता है। तो ये आज हमने आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिससे आप धनवान बन सकते हैं और आपकी किस्मत के बड़े दरवाजे भी खुल सकते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपनाइए, अपने दोस्तों के साथ भी इन उपायों को शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है या जवाब है या कोई भी आपका कमेंट वगैरह है तो आप नीचे सवाल बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।